वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का काम धंधा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे यूनिक बिजनेस के बारे में, एक ऐसे स्मॉल बिजनेस के बारे में जिस बिजनेस को आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में अपने घर से ही स्टार्ट करके इससे ढेर सारा पैसा बड़े आराम से इस बिजनेस से कमा सकते हो। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए। और इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें, पूरा एंड तक देखें ताकि पूरी जानकारी आपको इस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे मोमबत्ती बनाने के बिजनेस के बारे में, यानी कि कैंडल बनाने के बिजनेस के बारे में। वैसे दोस्तों, कैंडल बनाने का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कम से कम 50,000 रुपये की जरूरत होती है, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ 3,000 रुपये की लागत से आप अपने घर से घरेलू तरीके से कैंडल बना करके इसको मार्केट में सेल करके बेच करके काफ़ी अच्छा मुनाफा किस तरह से कमा सकते हो। दोस्तों, कैंडल का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दोस्तों आप जो वीडियो के अंदर देख रहे हो इस तरह का साँचा आपको बना कर लेना है। आप इसको कोई भी वेल्डिंग की शॉप से बना कर ले सकते हो या रेडीमेड भी मार्केट में मिलता है, जिससे एक टाइम पे 10 कैंडल बन के रेडी होती है। इस तरह से साँचा लेने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले मोम को खरीदना है, उसके बाद इस तरह से उसको गर्म करना है और उसको पिघलाना है। उसके बाद दोस्तों साँचे के ऊपर अच्छी तरह से धागा लपेटना है और दोस्तों धागा लपेटना दोस्तों आप कुछ ही मिनट के अंदर सीख जाएंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस करके। उसके बाद इस तरह से इसमें धागा लपेटने के बाद आप मोम के अंदर अलग अलग कलर डाल करके, जिससे कि आप लाल कलर की, ग्रीन कलर की, रेड कलर की, अलग अलग कलर की कैंडल आप बड़े आराम से इससे बना सकते हो। इस तरह से दोस्तों साँचे के ऊपर धागा लपेटना बहुत ही आसान है, इसको कोई भी कर सकता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। ऐसे लोग जो अपने घर में फ्री बैठे हैं वो इस तरह की कैंडल बना करके इसको बेच करके काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। पिघला हुआ मोम दोस्तों इस तरह से कोई भी बर्तन में डालना है, इस तरह से चौकोर बर्तन के अंदर आपको डालना है। आप चाहे तो इसके अंदर कलर मिला सकते हो, जिससे कि आप कलरफुल मोमबत्ती बना सकते हो, कलरफुल कैंडल बना सकते हो। अलग अलग कलर की कैंडल बनाने के लिए आप कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से दोस्तों साँचे के अंदर धागा लपेटने के बाद इस तरह से इस मोम के अंदर इसको डुबाना है और इसको बार बार डुबाना है, निकालना है, डुबाना है, निकालना है, जिससे कि दोस्तों आपकी कैंडल बहुत जल्दी बन के रेडी होगी। इस तरह से दोस्तों कैंडल बनने लगी है। इस तरह से धीरे धीरे करके कुछ ही मिनटों के अंदर आपकी एक साथ में 10 कैंडल बन के रेडी होती है। ये बहुत ही आसान तरीका है कैंडल बनाने का। इस तरह से आप घरेलू तरीके से बिना किसी मोल्ड के, बिना बड़े इन्वेस्टमेंट के, आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में इस तरह से अपने घर से ही मोमबत्ती बना करके इसको अच्छी पैकेजिंग करके सभी दुकानों में सेल कर सकते हो और इससे काफ़ी अच्छी अर्निंग, काफ़ी अच्छा मुनाफा कर सकते हो। इस तरह से दोस्तों आपकी कैंडल बन के रेडी हो चुकी है और दोस्तों बहुत ही कम समय में आपकी 10 कैंडल इस तरह से बन के रेडी हो चुकी है। इस तरह से दोस्तों आप बड़े साइज के बड़े मोल्ड बना करके ज़्यादा कैंडल एक साथ में बना सकते हो और काफ़ी अच्छा मुनाफा कर सकते हो। आप दोस्तों इसको, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा धागे हैं उसको काटा जाता है और उसके बाद दोस्तों इसको एक मोमबत्ती का शेप दिया जाता है। इस तरह से जो सभी धागे को काटना होता है और इसके बाद ये आपकी कैंडल बन के रेडी हो चुकी है और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा जो मोम है उसको इस तरह से काट करके इसको एक शेप दिया जाता है कैंडल का। इस तरह से दोस्तों आपकी कैंडल बन के रेडी होती है। ये बहुत ही आसान तरीका है कैंडल बनाने का। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी मशीनरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरह से बहुत ही कम समय के अंदर कैंडल बना सकते हो। उसके बाद दोस्तों इस तरह से हीटर के ऊपर उसको हीट करके जो नीचे का बॉटम जो होता है उसको इस तरह से पूरा शेप दिया जाता है, जिससे कि मोमबत्ती खड़ी हो सके। इस तरह से दोस्तों एक टाइम पे आपके 10 कैंडल बनके रेडी होते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और उसके बाद दोस्तों इस तरह से अलग अलग प्रकार की पैकिंग का स्टेप करके आप इस कैंडल को मार्केट में सेल कर सकते हो और बहुत ही आसानी से इस तरह से कैंडल आप बना करके इससे काफ़ी अच्छा मुनाफा कर सकते हो। आप अलग अलग प्रकार के मोल्ड बना करके, जिससे छोटी कैंडल, बड़ी कैंडल या एक साथ में ज़्यादा कैंडल भी बहुत ही आसानी से बना सकते हो। और दोस्तों मोम खरीदने के लिए दोस्तों आप इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर जा करके वहाँ पर सर्च करेंगे, कैंडल मेकिंग वैक्स सर्च करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे मोम बहुत सारे डीलर हैं जो मोम सेल करते हैं, उनके पास से आप कैंडल बनाने का वैक्स जो मोम होता है उसको खरीद सकते हो। और इस तरह के अलग अलग प्रकार के मोल्ड बना करके, जिससे कि आप अपने घर पे ही इस तरह से कैंडल बना सकते हो। दोस्तों इसको कोई भी कर सकता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई भी कर सकता है। आप इस तरह से अलग अलग प्रकार के, अलग अलग साइज के, अलग अलग कलर के कैंडल मोमबत्ती आप अपने घर से ही बना सकते हो और बहुत ही कम समय में इस तरह के प्रोडक्ट को बना करके
आप इसको सेल करके काफी अच्छा मुनाफा कर सकते हो। दोस्तों बहुत ही आसान बिजनेस है दोस्तों। कैंडल दोस्तों हर जगह पे यूज होता है, जैसे कि चर्च में यूज होता है, लोग घरों में भी कैंडल जलाते हैं, इस तरह से दोस्तों कैंडल का इस्तेमाल हर जगह पे होता है। तो आप इस बिजनेस को करके इससे काफी अच्छी अर्निंग, काफी अच्छा मुनाफा बड़े आराम से कर सकते हो। दोस्तों इस तरह से आप अलग अलग साइज की, अलग अलग कलर की कैंडल बना करके, आप अलग अलग शेप की कैंडल बना करके, जिससे आप अच्छी खासी पैकिंग करके इसको मार्केट में सेल कर सकते हो और इस बिजनेस से काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। इस तरह से आप इसको पैक कर सकते हो, चाहे तो प्लास्टिक के अंदर, या आप इस तरह से बॉक्स के अंदर पैक करके खुद के नाम से भी कैंडल को मार्केट में बेच सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप पर, फेसबुक के जरिए। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के नए बिजनेस आइडिया के साथ में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।